ये गोली लेनी है डेली एक। और डायबिटिक की जैसे मेडिसिन लेना शुरू किया तो ये भी एक आपने रेगुलरली उनका होती है सुबह शाम दोपहर को मेडिसिन लेना ही लेना है। फिर कुछ साल बाद उनको इंसुलिन में डाल देते हैं और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी वैसे टेबलेट लेना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से कोई ना कोई जैसे सेकेंड रो में दिक्कतें आती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये मेडिसिन आपको रेगुलरली खाना है और ये मेडिसिन कभी भी बंद नहीं करना है। जब भी आप बंद करोगी तो आपका रिस्क हम नहीं लेंगे। उस टाइम में आपको ये बोलना चाहिए था कि अगर हम मेडिसिन लेते हैं उसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो उसका रिस्क किसको लेना है। बट आप क्या करते हैं, डॉक्टर के अंडर में आ जाते हैं तो आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उन्हीं के मेडिसिन में आप पूरी जिंदगी काट लेते हैं। तो उसके बाद भी आपको जब मेडिसिन लेने के बाद क्या होती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ट्यूमर होती है, कैंसर होती है और पार्किंसन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर किडनी फेल्योर होना शुरू होता है, आर्थराइटिस की दिक्कतें आती है जिससे आपको फिर आगे आर्थराइटिस भी जब बढ़ जाती है तो उस टाइम में आपको पैरालिटिक अटैक भी होती है। तो इस तरीके से ये क्रॉनिक में चला जाता है। आपने जो क्रिएट किया था, सेल्फ क्रिएट डिजीज किया था, उसको भी आपने नेचुरल प्रोसेस से ठीक नहीं किया, मेडिकेशन में रहे, तो ये क्रॉनिक हो जाता है। तो ये सारे दिक्कतें आती है, कैंसर या किडनी फेलियर या ट्यूमर, ये सारे इस तरीके से नहीं आती है कि आप पहले ही स्टार्टिंग में बचपन से ही ये हो गया है। तो वो बहुत सारे कम लोगों को होती है कि बचपन में बच्चों को कैंसर हो गया है। अदरवाइज 90% केस ऐसे होता है कि जो आपको उम्र होने के बाद होती है, आपने ये सारे प्रोसेस को मेडिकेशन के थ्रू ठीक करने की कोशिश किया था जिसके वजह से ये सारे दिक्कतें आती है। नेक्स्ट, आपको टॉक्सिन्स से बॉडी से क्लीन करना चाहिए। इसकी बहुत सारे प्रोसेस है हमारे नेचुरोपैथी में, तो बहुत सारे तरीका है जिससे आप मतलब कि टॉक्सिन्स को क्लीन कर सकते हैं अपने शरीर से, थ्रू माउथ, थ्रू एनीमा, थ्रू यूरिनल प्रोसेस। इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस है नेचुरोपैथी में जिसके थ्रू आप ठीक कर सकते हैं और टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ होती है कि आप डाइट के थ्रू, जूस के थ्रू भी आप अपने आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री कर सकते हैं। जैसे अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन जूस लेके आपके शरीर को टॉक्सिन फ्री कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, अल्कलाइन और एसिडिक के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास जब मेरे अगले हफ्ते होगी तो मैं उसमें पूरे इलाबोरेट करके आपको पूरा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करूंगी। अल्कलाइन और एसिडिक बॉडी में क्या फर्क होता है और अल्कलाइन बॉडी आपकी बॉडी को किस तरीके से हेल्दी रखता है, एसिडिक बॉडी आपकी बॉडी को किस तरीके से रोग की तरफ ले जाता है, उसके बारे में पूरा हम प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें बहुत इलाबोरेट करके मैं आपको बताऊंगी। बट अभी हम नेचुरल मतलब कि किस तरीके से नेचर के थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू शरीर से टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं, जो इजी प्रोसेस है, जो घर में आप कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है बट उसमें से दो तीन प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी जिससे आप घर में कर सकते हैं उसको, और किसी प्रशिक्षण के पास जाके करने की जरूरत नहीं, आप घर में ही कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, थ्री सिंपल स्टेप जो है वो सिंपल स्टेप से आप घर में कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, सेकंड में एनीमा, थर्ड में वेट पैक। ये तीनों प्रोसेस को मैं अभी आपको बताऊंगी डिटेल में। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 14 से 16 घंटे की फास्ट करते हैं रेगुलरली, अपने पूरे दिन की खाना जो है वो 8 घंटे में कंप्लीट करते हैं और बॉडी को हम 14 से 16 घंटा टाइम देते 14 से 16 घंटा टाइम देते हैं उसको हील होने में और उसको डाइजेशन होने में, बॉडी में फ्लो होने में, बॉडी को एनर्जी पास फ्लो कराने के लिए हम उसको 14 से 16 घंटा टाइम देते हैं और 8 घंटे के अंदर हमारा खाना होना चाहिए। और ये टाइम क्या होना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में, आपकी जो खाने की प्रोसेस है, प्लीज म्यूट हो जाइए। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, आपको फर्स्ट मील जो है वो सुबह 10 बजे लेना है। सुबह जब आप 6 बजे या 5 बजे जग जाते हैं उस टाइम सिर्फ आपको 2 ग्लास गर्म पानी पीना है और फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आप कोई भी वर्कआउट करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, योगा आसना करिए,
या प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, किसी प्रकार की आप एक्टिविटीज करिए। 2 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश होके आपको एक्टिविटीज करनी है। उसके बाद आप ग्रीन जूस ले सकते हैं, ग्रीन जूस या नेचर जो हमारी वेजिटेबल्स की, सॉरी लीफ जूस, लीफ वेजिटेबल नहीं, लीफ जूस। लीफ जूस मतलब उसमें क्या क्या आता है, जैसे सुबह आपने व्हीट ग्रास लिया, आंवला ले लिया, या आपने धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता ले लिया, एस गार्ड ले लिया, लौकी ले लिया। इस तरीके से कुछ कुछ चीज की अलग अलग जूसेस आप बनाइए रेगुलर। अगर आपको एक चीज अच्छा नहीं लगता है तो डेली चेंज करके भी आप ले सकते हैं। बीट रूट ले लिया, बीट रूट से भी एक दिन आपने बीट रूट की जूस पी लिया, एक दिन आपने लौकी का जूस ले लिया, एक दिन एसगार्ड की जूस ले लिया, इस तरीके से किसी दिन आपने धनिया पुदीने की जूस ले लिया। तो आपको मॉर्निंग में ठीक 8 बजे आपको ग्रीन जूस, या आपने जो मैंने बोला कि एसगार्ड की जूस, व्हाइट जूस या ग्रीन जूस, इस तरीके से आपने एक जूस ले लिया जो अल्कालाइन मात्रा जिसमें ज्यादा हो। तो वो जूस आप जब ले लेते हैं तो आपके शरीर को, मेटाबॉलिक रेट को उस टाइम वो स्टार्ट करता है चलाना, क्योंकि आप पूरे रात जब सोए थे उस टाइम आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे स्लो हुआ था, तो उसको धीरे धीरे एक्टिव करने के लिए आपने ये जूस पिया। और जूस पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं पीना है आपको, पूरी पेट को मतलब उस टाइम आपको छोड़ देना है और कोई भी आप काम अपने काम में लग जाइए। ठीक 10 बजे आपको फर्स्ट मील लेना चाहिए, और फर्स्ट मील जो लेते हैं उस टाइम आपको पूरी कंप्लीट फ्रूट मील लेना है, एक प्लेट भरपूर ले सकते हैं। अगर आपको मात्रा बताऊं तो आप 400 ग्राम से 500 ग्राम की फ्रूट्स ले सकते हैं जब मॉर्निंग की फर्स्ट मील लेते हैं। सेकेंड मील आपको ठीक 1 से 2 के बीच आपको लंच कर लेना चाहिए। अगर आप लंच 12 के बाद करते हैं, 2 बजे तक कर लेना चाहिए। 2 बजे के बाद अगर करेंगे तो फिर डिनर आपको स्किप करना पड़ेगा, इसलिए 2 बजे तक आप लंच कर लीजिए। और लंच में आप क्या लेंगे, उससे आपको जो पूरी दिन की सारे एनर्जी मिले, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीज की जो प्राप्त हो सकता है, ये आपकी कंप्लीट मील लेना पड़ेगा, जिससे ग्रेन भी होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होगा, सलाद भी होगा और चटनी भी होगा। ये इस तरीके से सारे एक कंप्लीट मील लेके आप लंच करिए। सेकेंड में आप पूरे और कुछ भी नहीं लेना चाहिए, आपको एक बार में 6 बजे डिनर कर लेना चाहिए। 6 बजे अगर डिनर करते हैं तो आपको अगले दिन 10 बजे तक कम से कम 14 घंटा हो जाता है, सॉरी 16 घंटा हो जाता है। 16 घंटे आपको मिल गए हैं कि आपके शरीर अपने आप को हील करने में, तो इसीलिए 6 बजे आपको डिनर कर लेना चाहिए। और डिनर जो होता है वो डिनर आप सूप और सलाद, ये दोनों में आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। या तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, फिजिकल वर्क ज्यादा होती है, तो आप रोटी ले सकते हैं या वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बैठने वाली काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग 21 दिन से घर में बैठे हुए हैं, तो रात की खाना स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। दोपहर को इतना पूरा फुल मील खाने के बाद रात की खाना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना इतना ज्यादा हो जाता है। हम डेली खाते हैं, हमें पता है कि दोपहर के मील खाने के बाद रात को भूख नहीं लगता, क्योंकि हम लोग अभी कहीं बाहर भी नहीं निकल रहे, कोई काम भी नहीं कर रहे, तो इसीलिए आपकी खाना जो है सुबह की मील और शाम की जो मील है वो वेजिटेबल्स और सुबह की फ्रूट्स ये होना चाहिए। दोपहर की मील जो है वो आपकी ग्रेन और दाल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट पिक में आप देखिए, अगर आप 10 बजे डायरेक्ट मील लेते हैं तो 6 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। सेकंड पिक देखिए, जिससे आप जूस लेके 8 बजे जूस लेके 10 बजे सॉरी 12 बजे फर्स्ट मील लेंगे और 8 बजे तक डिनर कर लेंगे। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, उस फास्टिंग में आपको सबसे बड़ी मतलब कि अच्छी बात यह है कि आपको हीलिंग के आवर जो होते हैं, आपने डाइजेशन के लिए दे दिया 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम। डिनर आपने 8 बजे किया, अगर 6 बजे कर लिए तो आपके 12 बजे तक रात की डाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद आपकी हीलिंग आवर स्टार्ट हो जाती है, बॉडी अपने आप को हील करता है, तो वो 12 बजे से फिर 10 बजे तक होती है। अगर आपने सेकेंड वाला ट्राई किया, जैसे आपने 8 बजे जूस ली लेके 10 बजे तक फर्स्ट मील लिया, फिर 2 बजे तक लंच लिया और 6 बजे तक आपने
8 बजे तक डिनर लिया, तो आपको 8 बजे से 2 बजे तक आपकी डाइजेशन की आवर मिला, और 2 बजे से लेके 12 बजे तक आपको हीलिंग आवर मिल रहा है। तो बॉडी इतना टाइम चाहता है कि उसको आप दीजिए, तो वो नेचुरल हील करेगा अपने बॉडी को। अगर आप खाते रहेंगे और 10 बजे तक खा रहे, 12 बजे तक रात की मील ले रहे, फिर सुबह उठ के फिर 8 बजे तक चाय नाश्ता ये सारे भरपूर कर रहे, तो फिर शरीर को हीलिंग आवर नहीं मिल पा रहा है, वो डाइजेशन की प्रक्रिया ही खत्म नहीं कर पा रहा है, तो वो हील कब करेगा? तो इसीलिए बीमारी होती है। तो हमें खाने की टाइमिंग जो है उस टाइम को मेंटेन करना चाहिए, खाने की मात्रा को मेंटेन करना चाहिए, खाना क्या खाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब हम फास्ट करते हैं तो उस फास्टिंग में आप सिर्फ कोकोनट वाटर और वेजिटेबल्स की जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस कभी नहीं लेना चाहिए फास्टिंग में, क्योंकि वो एसिडिक बॉडी को एसिडिक कर देता है। और टी कॉफी मिल्क ये भी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, सुबह की जो है वो लीफ जूस लीजिए, या एसगार्ड की जूस लीजिए, या लौकी की जूस लीजिए, या बीटरूट की जूस लीजिए। तो ये जूस में आपकी ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन होती है, तो ये आपकी बॉडी को मिल जाएगी। अदरवाइज डिटॉक्स वाटर के बारे में मैं बताऊंगी, जो सुबह आप ले सकते हैं 8 बजे तक। वो डिटॉक्स वाटर जो होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मतलब बहुत अच्छा भी होता है और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें अल्कलाइन मात्रा ज्यादा रहता है। डिटॉक्स वाटर बनाना कैसा है वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट, जैसे अभी मैंने बोला कि आपको कि 8 घंटे के अंदर खाना कंप्लीट करना है और 16 घंटे की आपको फास्टिंग करना है, तो 16 घंटा जब आप फास्ट करते हैं तो एक हफ्ते में आप पर डे अगर 16 घंटा फास्ट करते हैं तो 112 घंटा आपको एक वीक में मिल जाती है बॉडी हीलिंग करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर हिसाब लगा जाए तो 450 हीलिंग आवर्स आपको एक महीने में मिलता है, और 1500 घंटे आपको 3 मंथ्स में मिल जाता है। और ये 1500 घंटे जब हीलिंग आवर आपके शरीर को आप दे रहे हैं तो वो 1500 घंटे बहुत सफिशियंट होता है कोई भी क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने में। तो इसीलिए 3 मंथ्स की टाइम लेके अगर आपकी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्सिफिकेशन और डाइट जिसमें वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, उस तरीके से डाइट लेके अगर आप अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं और वीकली एक फास्ट करिए, या 15 डेज में एक फास्टिंग करिए, या महीने में आप 3 दिन की फास्टिंग कर लीजिए जिससे आप सिर्फ जूसेस लेके, वेजिटेबल जूस और वाटर लेके रहेंगे, तो इस तरीके से करने से क्या होता है आपके शरीर में हीलिंग आवर शरीर को मिलता है, जिससे आपके शरीर नेचुरल प्रोसेस से बॉडी को हील करता है। नेक्स्ट, मैंने अभी 3 प्रोसेस बताया था जिससे एनीमा था, वेट पैक था और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग था। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अभी वेट पैक कैसे करना है, जैसे आपने व्हाइट कलर की सफेद कपड़ा ले लीजिए, पूरा प्लेन कपड़ा, और उसको आप भिगो दीजिए, निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा गीला रखिए जिससे पानी थोड़ा थोड़ा रहे, पूरी तरह निचोड़िए मत। और उसको आप इस तरीके से पेट में राउंड कर सकते हैं, गले में राउंड कर सकते हैं और हेड में राउंड कर सकते हैं। अब इस तरीके से बांधेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर को जहां जहां हमारे रियल में गर्मी पैदा होती है तो उसको वो ठंडा करेगा। ठंडा करने से आपकी बॉडी अपने आप बॉडी डिटॉक्स करेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि स्वेटिंग के थ्रू भी होती है, तो स्किन के थ्रू भी काफी सारे चीजें आपकी टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये छोटा सा प्रोसेस है, मैं इसीलिए ये प्रोसेस बता रही हूँ, ये घर में कर सकते हैं आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे प्रोसेस है जो आपको नेचुरोपैथी सेंटर में जाके करना है, और नेचुरोपैथी डॉक्टर की मतलब की प्रावधान में रह के उनके देख रेख में करना चाहिए। ये सारे चीजें जो है ये आप घर में कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप घर में कर सकते हैं, वेट पैक की जो प्रक्रिया है यह भी आप घर में कर सकते हैं। तो इससे क्या आपको फायदा होने वाला है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ेगा, और स्टोमक से जितने भी एक्सेसिव कोई भी टोनिंग होना आप चाहते हैं कि बहुत फैट है तो वो भी फैट लूज होना शुरू होता है, बॉडी डिटॉक्स करता है। और किसी को हेडेक की बहुत दिक्कत रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो वो भी रिलीव होता है। और कभी पेट में ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या कोलाइट्स की प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होती है। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया है एनीमा का जो मैंने लास्ट बताया था, एनीमा वो आप घर में भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो सेकंड वाला पीक आप देख सकते हैं, इस तरीके से पॉट आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा,
कोई भी मेडिकल शॉप में जाके आप इस तरीके से पॉट ले लीजिए, इस तरीके से वायर मतलब पाइप होती है जो आप उससे कनेक्ट करके आप अपने आप में कर सकते हैं घर में भी। और इसी पोजीशन में जिस तरीके से ये पिक में दिखा रहा है तो इसी पोजीशन में आपको रहना है, और नीम की वाटर या लेमन वाटर लेके आप उसको इंटेस्टाइन में चढ़ाएंगे, और इंटेस्टाइन में जब चढ़ जाता है तब तो उसके बाद पूरे पानी आपको 2 मिनट 3 मिनट के अंदर पूरा पानी आपके इंटेस्टाइन में चढ़ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब चला जाता है उसके बाद आप पेट को थोड़ा सा और पेट में हाथ को घुमाएंगे, तो पेट में हाथ को घुमाएंगे तो वो क्या होता है कि वो पानी पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में फैल जाता है। अगर आप तुरंत भागेंगे मोशन के लिए तो वो पानी ही पानी निकल जाएगा, बट आपकी पेट साफ नहीं होगा, मतलब कि आपके इंटेस्टाइन साफ नहीं होगा। इसीलिए एनीमा जब लगाते हैं उसके बाद 2 मिनट तक आप अपने पेट को थोड़ा सा घुमाइए हाथ से, तो हाथ जब घुमाएंगे तो वो क्या होगा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में वो पानी फैल जाएगा। उसके बाद जब भी आप फ्रेश होने जाएंगे तो पूरी तरह आपकी लार्ज इंटेस्टाइन साफ हो जाता है। नेक्स्ट, डाइट की जो प्लान अभी मैंने बताया था 3 मंथ्स में आपको 1500 घंटे मिल जाते हैं आपकी बॉडी को हील करने में अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे अच्छा प्लान मतलब कि अच्छा होता है, और ये कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं होती है कि आपको भूख लग जाएगा, क्योंकि हम आपको उसी समय फास्ट करने बोल रहे हैं जिस समय में आपको सोना है या रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के टाइम में अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो ये टाइमिंग होती है ये टाइमिंग बड़ा अच्छा टाइम है, सुबह जब आप जगते हैं 2 ग्लास गर्म पानी पी के फ्रेश होने जा रहे हैं, फ्रेश होके आके कोई भी एक्टिविटीज करते हैं आप, योगा आसनास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद 8 बजे तक आप एसगार्ड की जूस ले सकते हैं, क्योंकि ये एसगार्ड जो होता है ये एसगार्ड में बहुत मात्रा में अल्कलाइन रहता है। अल्कलाइन वाटर जब आप बॉडी को देते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे एसिडिक टू अल्कलाइन बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, बॉडी के सारे जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाते हैं और बॉडी डिटॉक्स नेचुरल प्रोसेस में करना शुरू कर देता है। इसीलिए एसगार्ड की जूस ले सकते हैं, अदरवाइज अगर एसगार्ड अवेलेबल नहीं होता है तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं या तो लीफ वेजिटेबल्स की जूस ले सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बोला पालक और धनिया पुदीना या बीट रूट की जूस या लौकी की जूस, इस तरीके से सारे मिक्स करके भी ले सकते हैं, तो वेजिटेबल्स की जूस भी आप ले सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी आप एक चीज सुबह ले सकते हैं। सेकंड में आप 10 o'clock तक ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जिस तरीके से मैंने बोला था कि ब्रेकफास्ट में आपकी सिर्फ फ्रूट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स में भी भरपूर अल्कलाइन होती है, तो अल्कलाइन आपकी बॉडी को जितने मात्रा में भेजेंगे उतने आपकी बॉडी अपने आप नेचुरल प्रोसेस से डिटॉक्स करेगा और बॉडी को इस तरीके से बना देता है अल्कलाइन, तो आपकी बॉडी में कोई भी प्रकार की वायरस कोई भी प्रकार की बैक्टीरिया जल्दी अटैक नहीं कर पाते, और वायरस या जो बैक्टीरिया अटैक उसी बॉडी को करते हैं जिस बॉडी एसिडिक बॉडी होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सुबह की जो नाश्ता होती है वो आपकी फ्रूट्स डाइट होनी चाहिए। थर्ड में आप लंच करेंगे 1 से 2 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, उसमें आप चपाती ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं, फिर उसके साथ आप सात्विक सब्जी दाल ये सारे चीजें मिक्स करके ले सकते हैं, ग्रीन चटनी ले सकते हैं। ट्राई करेंगे कि जितना भी आपको भूख लग रहा है आधा पेट खाना खाना है तो उसी मात्रा में आपको खाना खाना है, आपको पता होगा कि आपकी कितना भूख है और कितना आधा खाना चाहिए आपको। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 2 रोटी खाओ 1 रोटी खाओ, वो आप अपने आप को एनालिसिस करके देखिए कि आपको कड़ी भूख लगी है तो आपको आधा पेट खाना खाना है, उसी मात्रा आपको अपने आप में मेंटेन करना है। 4 बजे तक आपको फ्रेश जूस ले सकते हैं या तो नारियल पानी ले सकते हैं, अगर आप सुबह एसगार्ड की जूस ले रहे हैं शाम को कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या तो सुबह अगर ग्रीन जूस ले रहे हैं तो शाम को नारियल की स्लाइसेस ले सकते हैं, या तो शाम को स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, स्प्राउट्स बहुत अच्छा होता है, बॉडी को मतलब की प्रोटीन भरपूर मिल जाती है, और ऐसे इस तरीके से शाम की जो ले सकते हैं प्लान। और सेकेंड लास्ट में आप डिनर 6 बजे से 8 बजे के बीच करना चाहिए, उसमें आप सूप सलाड्स या स्प्राउट्स इस तरीके से ले सकते हैं, जितना हल्का डिनर करेंगे उतना जल्दी आपको बॉडी हीलिंग करेगा और पूरी रात आपको बॉडी मतलब कि उसको टाइम मिल जाएगा कि बॉडी को हील करने के लिए, और वो जल्दी जब डाइजेशन हो जाती है बॉडी को जल्दी एनर्जी मिलती है, और इसीलिए हार्ड फूड मत लीजिए ज्यादा, चपाती दाल चावल ये खाने की जरूरत नहीं है रात को, तो आप रात की जो खाना है वो हल्का करिए।
या ग्रीन सब्जी खाली बना के भी ले सकते हैं रात के खाना में। आगे, हाँ, हमने अभी बॉडी को तो डिटॉक्स कर लिया, बट माइंड को कैसे डिटॉक्स करेंगे? बॉडी के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया, फ्रूट डाइट कर लिया, वेजिटेबल्स जूस ले लिया, इस प्रक्रिया से आपने एनिमा भी ले लिया, तो इस तरीके से आपने बॉडी को तो डिटॉक्स कर लिया। माइंड को डिटॉक्स करने के लिए ये सारे प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, और तभी जाके आप माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ चीजें मैंने लिखा है कि लेट गो और लेट गॉड, मतलब कि कोई भी चीजें ये होती है तो आप भगवान के शरण में जाइए, आप अपने आप को मतलब कि सरेंडर भावना करिए, फॉरगिव और फॉरगेट, मतलब कि कोई भी चीजें आपके लाइफ में होती है, किसी से लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, या किसी भी प्रकार की बात होती है, तो उसको उसी समय माफ करिए और आगे बढ़िए, उस चीज को वहीं भूल जाइए। सेकेंड, थर्ड में आता है ईगो। ईगो, अगर आपके अंदर ईगो है बहुत ज्यादा, आपको मतलब कि अंदर वो भावना है, तो उसको छोड़िए, आप हमेशा सरेंडर भावना में आ जाइए। नेगेटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो उसमें ज्यादा आप उसमें, जैसे अभी कोरोना की बात चल रही है, ये कोरोना की कुछ अच्छे मतलब कुछ सही न्यूज भी हमारे पास पहुंच रहा है, कुछ गलत न्यूज भी पहुंच रहा है, तो उस तरीके से न्यूज को आप अवॉइड करिए। बहुत ज्यादा न्यूज की तरफ और वो उस इंफॉर्मेशन को बार बार सुनने की कोशिश मत करिए, उससे माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती है। इसीलिए आप वो सारे चीज को छोड़ के पॉजिटिव थिंकिंग की ओर चलिए, अच्छी चीज सोचना शुरू करिए, ब्रह्मांड की अच्छाई के बारे में सोचिए, और विश्व शांति के बारे में आप अपने अंदर मेडिटेट करिए, विश्व शांति की कामना करिए। इस तरीके से भावना के साथ आप अगर चलते हैं तो आपके माइंड भी डिटॉक्स होती है और अपने आप मेडिटेट होने चले जाएंगे। इमोशनल ड्रामा जितना हमारे घर में या आसपास में या फ्रेंड्स से या रिलेटिव्स के साथ होते हैं, वो जो होती है उसको उसी समय खत्म करिए और आगे बढ़िए। उस चीज को लेके पूरी लाइफ में मत जाइए, पूरे लाइफ तक आप उस चीज को साथ में लेके मत चलिए, उसी टाइम उसको छोड़िए। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि किसी किसी भावना काम से हमें किस तरीके से हार्मोन भी सिक्रेशन होती है बॉडी में। हेल्प अदर्स, अगर किसी दूसरे को हेल्प करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रेट होती है, जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उससे आपकी बॉडी में डोपामाइन हार्मोन सिक्रेशन होती है। डोपामाइन हार्मोन जो होती है वो आपको सीरोटोनिन, डोपामाइन हार्मोन हैप्पी हार्मोन में आते हैं, और वो हैप्पी आपको बॉडी को मतलब कि आपके माइंड को तुरंत हैप्पीनेस फील होगा। तो इसलिए दूसरों को हेल्प करना कोशिश करिए, हेल्प करें, और रिलेशनशिप को अच्छे वैल्यू देने की कोशिश करिए, फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या घर के फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखिए। और जैसे रीडिंग की हैबिट, कुछ पढ़ने की आदत डालिए, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अच्छे चीजें पढ़ने से आपकी ज्ञान बढ़ेगा, कुछ किसी की बुराई तो उससे होता नहीं है, तो इसीलिए पढ़ने की आदत डालिए, डेली कुछ ना कुछ आधे घंटे के पढ़ने की कोशिश करिए, और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, डेली कुछ ना कुछ फ्रेश एयर जहाँ पे मिल रहा होगा, पार्क में हो या छत पे हो, वहां पे जाके कुछ समय बिताइए, और उसी समय आप मेडिटेशन की स्थिति में जाके, प्राणायाम की स्थिति में जाके अपने आप को उस टाइम माइंड को शांत कर सकते हैं, और मेडिटेट के माध्यम से आप माइंड को भी डिटॉक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेली आपकी जो मैंने अभी बताया था कि फिजिकल बॉडी के लिए किस तरीके से क्या करना चाहिए, आपको डेली 1 आवर की वर्कआउट करना चाहिए। आप योगा कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको कोशिश करना है कि बॉडी माइंड सोल तीनों आपको मेंटेन करना है, तीनों को बैलेंस करना है, और ये तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट भी अगर आप देते हैं, तीनों डिवाइड कर लीजिए, 20 मिनट बॉडी के लिए, 20 मिनट माइंड के लिए, 20 मिनट सोल के लिए, ये तीनों चीज अगर आप बैलेंस करेंगे तो 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट 1 घंटे में अगर किसी को बहुत लाइफस्टाइल में बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो 1 घंटा तो वो निकाल ही सकता है 24 घंटे में से, और ये 24 घंटे में से 1 घंटा आप 20-20 मिनट करके बॉडी माइंड सोल को दे रहे हैं। तो ये किस तरीके से हम दे सकते हैं, बॉडी के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, योगासनास करिए, प्राणायाम करिए, और माइंड के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, मेडिटेशन आप करिए, और सोल के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान लीजिए, कुछ कुछ अच्छे बुक्स पढ़िए, हमारे शास्त्र वेद कुछ
कुछ उठा के पढ़िए, उससे बहुत अच्छे ज्ञान है जो आपको आगे के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। आपकी लाइफ के जोड़े प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्यूशन करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होती है, सेल्फ मतलब आपके अंदर एक सेल्फ क्रिएटिव माइंड भी क्रिएट होती है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को, 1 घंटे के टाइम को डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 घंटा है तो यहाँ पे आप 40-40 मिनट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आपके ये शेड्यूल मेंटेन करेंगे तो आपकी ये हो जाएगा। और कुछ चीजें अभी मैं बताऊंगी जो चीजें आपकी प्रदीप जी वो नेचुरोपैथी वाला उसको निकालिए, थोड़ा सा मेरे को वो लास्ट वाला चीज बताना है। 25 नंबर स्लाइड निकालिए। हमें एक्चुअली खाना पीने के बाद मैं कर रही हूँ, तो खाने पीने में अभी किस चीज को हमें खाना नहीं चाहिए, अभी तो क्या खाना चाहिए मैंने आपको बता दिया। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, दाल चावल आपको एक टाइम लेना चाहिए, और लीफ वेजिटेबल्स जिसमें पत्तेदार जूस लेना चाहिए, ये सारे चीज तो मैंने बता दिया अभी। बट आपको लेना क्या नहीं चाहिए, आपकी लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में जो चीजें आप ले रहे हैं उसमें से किस चीज को माइनस करना है, किस चीज को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। प्रदीप जी सुन रहे हैं मेरे को? प्रदीप जी हाँ वो कर रहे हैं, काइंडली एंश्योर कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो शुड कंप्लीट। हाँ कंप्लीट हो गया, बस 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। हाँ स्लाइड मैंने ऑन कर दिया है, रॉ फूड पिरामिड, उससे आगे करना है? हाँ आगे तैयारी कर लीजिए, फास्टिंग में जाइए। अच्छा 25 नंबर उससे ऊपर वाला बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। हाँ यही है बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। हाँ, उसी को क्लिक करिए। क्या मेरे में तो दिखा रहा है? नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे थैंक यू आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, पहला वाला को बंद करना पड़ेगा। अभी आया? इसको थोड़ा सा क्लोज करिए, तो फुल स्क्रीन कर लीजिए प्लीज। हो गया? यहाँ पे देखिए हमारे फास्टिंग से हमें फायदा क्या होती है। आपके शरीर हील अपने आप होता है, ये आपको मैंने बता दिया। इससे एनर्जी भी आपको बहुत बढ़ता है और इम्यूनिटी आपके ग्रो होता है। हमारे बात अभी जो चल रही है, जिस तरीके से हमें मतलब कि अभी प्रेजेंटेशन था इम्यूनिटी के ऊपर, तो इम्यूनिटी के लिए फास्टिंग की बहुत जरूरी है। तो इम्यूनिटी ग्रो करना है तो आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, जूस लेके फास्टिंग कर सकते हैं, वाटर लेके आप फास्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप रेगुलरली फास्टिंग कुछ ना कुछ तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होता है, लीवर फंक्शन एक्टिव हो जाती है, एलर्जिक प्रॉब्लम किसी को होता है तो वो धीरे धीरे हील होकर ठीक होता है, और मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो भी मेटाबॉलिज्म आपकी इंक्रीज होती है। किसी को ओवर वेट है, ओबेसिटी में आप मतलब कि ओबेसिटी है तो उससे भी आपको वेट लॉस भी होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन जो है वो एक्टिव रहता है। किसी को जॉइंट पेन होती है या आर्थराइटिस की दिक्कत है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है 3 मंथ्स के अंदर। ये सारे दिक्कतें जो है ये अगर फास्टिंग आप करते रहेंगे और वेजिटेबल डाइट और फ्रूट्स डाइट में रहेंगे तो ये धीरे धीरे सारे हीलिंग होके बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है, और मेंटली आपको पीस मिल सकता है, इम्प्रूव मतलब स्टेबिलिटी में मूड बैलेंस जो है वो ठीक होता है। कभी कभी किसी का मूड खराब हो जाता है रोग से और डिजीज से, मतलब कि किसी तरीके से उनके मूड खराब रहता है किसी मतलब कि किसी किसी दिन, तो अगर इस तरीके से फास्टिंग भी करेंगे तो मूड आपके ठीक रहेगा, माइंड पीस रहेगा, और धीरे धीरे आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स भी आने लगेंगे। तो नेक्स्ट, वेजिटेबल की पिरामिड जो है, रॉ वेजिटेबल्स की मैंने अभी बता दिया था आपको, लीफ ज्यादातर लीफ की जूस लेनी चाहिए, व्हीट ग्रास हो गया या
कोई भी प्रकार के हर्बल ग्रास हो गया, लेमन ग्रास हो गया, इस तरीके से ये सब चीज की जूस ले सकते हैं, धनिया पुदीना की जूस ले सकते हैं, नट्स हो गया, ये सारे नट्स और फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स, ये सारे में प्रोटीन ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये सारे होते हैं, इसको ले सकते हैं, और फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, दाल चावल जो नॉर्मल हमारे सीजनल और रीजनल मतलब कि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ जहाँ मिलता है उसी को लीजिए, आप बाहर के देश के फूड को मत लीजिए जो पैकेज्ड में या किसी तरीके से आपको आपके पास पहुँचाया जा रहा है, वो सारे चीजें अवॉइड करिए। नेक्स्ट, अभी 5 चीज आपको लाइफ, हाँ नेक्स्ट प्रदीप जी आगे चलिए, हाँ 5 चीजें आपकी लाइफ से, हाँ नहीं 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 आगे चलिए आगे चलिए, आपकी किचन से कुछ चीज की, नहीं 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 आगे नहीं पीछे पीछे पीछे, रॉ वेजिटेबल्स के नीचे जाइए, हाँ यहीं पे रुकिए, आपकी किचन से कुछ चीज को हटाने के लिए मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि वो सारे चीजें जो होती है आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को क्रिएट करता है और आपके शरीर के लिए ठीक नहीं होती है, ये सब बासन बर्तन जो है इसको अगर यूज करते हैं या कुछ चीजें पैकेज्ड होते हैं वो सारे यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे जहाँ पे मैं टिक लगाई हूँ इसको ध्यान रखेंगे, जहाँ पे मैंने क्रॉस किया है उसको आप हटाने की किचन से कोशिश करेंगे। मिट्टी के बर्तन में आप अगर यूज करके खाना बनाएंगे तो आपको 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, नॉनस्टिक कढ़ाई में अगर बनाएंगे तो उससे वो मिलता नहीं है और ऊपर से पोषण खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप अल्मोनियम के बर्तन भी किचन से हटा दीजिए बिल्कुल, अगर है तो उसको हटा दीजिए या बेच दीजिए, कुछ भी करिए, बट स्टील के बर्तन आप किचन में रख सकते हैं, स्टील के बर्तन में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कुछ फायदा भी नहीं होती है, तो इसलिए स्टील बर्तन रख सकते हैं, कांसे के बर्तन रख सकते हैं, पीतल के बर्तन रख सकते हैं, या तो पत्ते की जो बर्तन होते हैं वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, फॉयल पेपर जो होते हैं वो बहुत क्षतिकारक होता है, उसको आप यूज करना बंद करिए, उसको किचन से हटा दीजिए, बायोडिग्रेडेबल जो पेपर होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नारियल पानी मैंने बोला वो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने बना के दिया है, ये नेचुरल अल्कलाइन वाटर है, इसको आप ले सकते हैं, बट ये कोका कोला और भी कोई पैकेज्ड मिल्क या पैकेज्ड बटर मिल्क ये सारे चीजें अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, थैली वाली दूध जो आती है मिल्क, ये सारे चीजें दूध होता नहीं है इसमें, इसमें बहुत केमिकल्स मिक्स होता है, यूरिया मिक्स करके आजकल आ रहा है, तो इसको आप अवॉइड करिए, नारियल दूध ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क। नेक्स्ट, 5 चीज अपने खाने पीने से हटाने की कोशिश करेंगे, व्हाइट ऑयल, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट शुगर और व्हाइट आटा, व्हाइट राइस, तो ये 5 चीज को हटाने के आपको बहुत जरूरी है और इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, आज से बंद कर दीजिए, और इसके बदले में क्या लेना चाहिए वो आगे मैं बता रही हूँ, आगे प्रोसीड करिए। व्हाइट ऑयल के बदले आप वेजिटेबल्स ऑयल ले सकते हैं, जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं उसको बिल्कुल मत लीजिए, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, व्हाइट शुगर छोड़ के आप जैगरी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, चेंज। व्हाइट राइस के बदले में माटा राइस ले सकते हैं जो रेड कलर के होते हैं, या ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाइट सॉल्ट जो होता है वो सॉल्ट आप मत लीजिए, वो आपकी रोग के कारण होती है, बट व्हाइट सॉल्ट को आप